आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले बजट एंड वेरिएशन के बारे में। तो डिस्प्ले बजट यानी बजट आपको दिखाई कहाँ देगा और वेरिएशन उसमें कैसे देखते हैं। तो पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बजट बनाना बता चुका हूँ, तो बजट बना लिया है, ठीक है। आज हमें देखना है कि हमें उसे डिस्प्ले के कहाँ दिखाई वो देगा और उसमें वेरिएशन कैसे देखते हैं। तो वेरिएशन देखने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए, तो डिस्प्ले करने के लिए अकाउंट्स इन्फो बजट और यहाँ पे एल्टर नाम का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप डिस्प्ले कर सकते हो आपका बजट तैयार है। उसको आप यस करेंगे तो यहाँ पे मैंने बजट तैयार रखा हुआ, ठीक है। ग्रुप से मैंने बजट बनाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें वेरिएशन कैसे दिखाते हैं। तो वेरिएशन में आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले हमें एक्चुअल खर्चों की एंट्री करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में खर्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पर पहले मैंने एक्चुअल में खर्चे की एंट्री करी, तो यहाँ पर फर्नीचर की एंट्री कर ली मैंने, 20,000 रुपये फर्नीचर परचेस कर लिया, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे मशीनरी परचेस कर ली 15,000 रुपये में, तो ये 15,000 रुपये की मशीनरी मैंने परचेस कर ली। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, रेंट मैंने ले लिया, तो रेंट मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये पे किया रेंट, ठीक है। और उसके बाद सैलरी, तो सैलरी मैंने यहाँ पे 7,000 रुपये पे की। और उसके बाद यहाँ पे जो रेंट है ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले लिए मैंने 6,000 के। तो ये टोटल मिला के मैंने ये खर्चा कर दिया, तो ये एक्चुअल में मैंने खर्चा यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आपने करा क्या मैं बता देता हूँ। तो बजट आपने बना लिया, तो बजट में जितनी भी एक्चुअल में एंट्रियाँ की जाती हैं वो एक साथ की जाती हैं, ठीक है। और उसके लिए रहेगा पेमेंट वाउचर, ताकि वो कंपैरिजन अच्छे से कर सके, यानी वेरिएशन आपको दिखा सके। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी और यहाँ पर आप कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद इसे बैक करेंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों दिखाई देंगे, तो आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपनी पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी ली हुई, तो रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी ले ली। और 1/4/2019 से 1/5/2019 के लिए यहाँ रहेगा डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर रहेगा बजट का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपको यस करना, जैसे आप यस करोगे वो वेरिएशन शो कर देगा। अब वेरिएशन यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप उसको आप चाहते हो कि डिटेल में बताएं, तो डिटेल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो डिटेल के लिए शॉर्टकट की होती है यहाँ पे अल्टर के साथ F1, ठीक है। तो अल्टर के साथ F1 से आप यहाँ पे डिटेल में शॉर्टकट की शॉर्टकट में देख सकते हो, यानी कि डिटेल जो है आपकी यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो टोटल जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ है वो हुआ है, आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 5,000 रुपये बचा लिए, क्योंकि हमने सोचा था कि 40,000 रुपये खर्चा होंगे, लेकिन यहाँ पे 35,000 रुपये ही खर्चा हुआ। कैसे? 20,000 रुपये और 15,000 रुपये हो गए टोटल 35,000 रुपये। यहाँ पे हम वैल्यू जो दिखा रहा है वो प्लस में दिखा रहा है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ आपके बजट के अंदर ही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आ जाइए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ पर भी आपने 3,000 रुपये बचा लिए, ठीक है। क्योंकि हमने सोचा था कि ये तकरीबन जाएगा कितना अपना, इकतीस के आसपास चला गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने खर्चा कर पैसे बचा लिए हैं, 35,000 रुपये के आसपास सोचा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका अमाउंट बच गया। यदि अगर आपके पास से अमाउंट ज़्यादा चला जाता तो ये माइनस में दिखाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास से बजट में पैसा बचा है, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस में वैल्यू दिखा रहा है। तो ये आपका वेरिएशन होगा कि बजट को किस तरीके से वेरिएशन में दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी के अंदर, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब नेक्स्ट जर्नल ट्रांजेक्शन्स। तो जर्नल ट्रांजेक्शन्स में हमारे द्वारा जर्नल ट्रांजेक्शन्स में एडजस्टमेंट वाली एंट्रियाँ की जाती हैं। एडजस्टमेंट वाली एंट्री में क्या किया जा सकता है? तो एडजस्टमेंट वाली एंट्री में लेट अस सपोज, मान लीजिए कि जर्नल ट्रांजेक्शन में आपके द्वारा यहाँ पर एक एंट्री की गई। कैसी एंट्री की गई? तो मैंने एक फिक्स एसेट परचेस की, परचेस करी लेकिन उधार में,
मैंने एक फिक्स एसेट परचेस करी लेकिन उधार में कैसी, तो ये फिक्स एसेट मैंने परचेस कर ली, एक शॉप परचेस करी है मैंने, तो मैंने इसका शॉप रख दिया, अंडर रख दिया फिक्स एसेट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं यस करने वाला हूँ, कोई भी ऑप्शन यस नहीं होगा फिलहाल इसमें, एक्सेप्ट, ठीक है, फिक्स एसेट। और दूसरा मैं क्रेडिटर की लेजर बनाने वाला हूँ, यानी लेनदार की, जिससे मैंने उधार माल खरीदा, ठीक है। तो मैंने एक क्रेडिटर की लेजर बनाई आर के ट्रेडर्स नाम से, ठीक है। उसके बाद इसका अंडर रख दिया मैंने सेंड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पे मैंने इसका अंडर सेंड्री क्रेडिटर रख लिया, ठीक है। और मैं मेंटेन बैलेंस बिलवा बिल फिलहाल बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, F7 जनरल वाउचर, ठीक है। तो परचेस क्या कर रहे हैं हम, तो परचेस कर रहे हैं हम यहाँ पे शॉप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड में आएगा शॉप, तो 20,000 रुपये की शॉप मान ली मैंने, ठीक है। और क्रेडिट में सेल कौन कर रहा है हमें, तो ये आर के ट्रेडर सेल कर रहा है, यानी क्रेडिटर, तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। तो अब इसको चेक करेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा ये करंट लाइबिलिटीज में कि आरके ट्रेडर्स के पास को पैसे चुकाने हैं, ठीक है। पैसे कितने चुकाने हैं, 20,000 रुपये। लाइबिलिटीज तभी आती हैं, याद रखिएगा, जब आपने पैसा किसी को देना हो, ठीक है। और यहाँ पे एक फिक्स एसेट आ गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने उन्हें पैसे पे किए, तो अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट वाउचर, तो यहाँ पे कैश, और यहाँ पे आ जाएगा आर के ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मैं पैसे पे करने की एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने उन्हें 18,000 रुपये दे दिए, ठीक है, और 2,000 रुपये का डिस्काउंट मांग लिया। तो अभी ये चीज़ उनको भी पता नहीं थी कि मैं उनसे 2,000 रुपये का डिस्काउंट मांगने वाला हूँ, तो फिलहाल उन्होंने 18,000 रुपये की पेमेंट मेरे से रिसीव कर ली और 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ये मुझे पता है और ये चीज़ उनको पता है, लेकिन ये बात हमारे टैली को नहीं पता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट वाली कोई एंट्री नहीं की गई। तो जनरल वाउचर में ज़्यादातर यूज़ होती हैं एडजस्टमेंट वाली एंट्री और क्रेडिट में फिक्स एसेट को परचेस करने वाली एंट्री। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अब दूसरी एंट्री, एडजस्टमेंट वाली एंट्री, ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे, जो 2,000 रुपये की करंट लाइबिलिटीज अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि हमें डिस्काउंट के रूप में मिल चुकी है, लेकिन अब वो हम चाहते हैं कि जो करंट लाइबिलिटीज है वो वहाँ से हट कर एडजस्ट हो जाए डिस्काउंट रिसीव में। तो मैंने एक लेज़र बनाई यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाके, तो अकाउंट्स इन्फो लेज़र, तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये जाएगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है, 2,000 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, एक्सेप्ट। इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर F7 जनरल वाउचर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट साइड, बट एक एंट्री में या तो एक्सपेंसेस होंगे या तो इनकम होगी, तो फिलहाल हमें इनकम हो रही, तो यानी एक साइड जो क्रेडिट वाली साइड है वहाँ पर आएगा डिस्काउंट रिसीव, तो डेबिट वाली साइड में जाएगा आर के ट्रेडर्स। तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 2,000 रुपये यहाँ पर हम ले लेंगे और उनका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और यहाँ से आप चेक करेंगे एक्सेप्ट, तो आप यहाँ पे इसको चेक करने के लिए बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास होंगी यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट की एंट्री बनाई है मैंने, और जर्नल ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो जर्नल ट्रांजेक्शन रहेगा ये, तो जनरल ट्रांजेक्शन बताया मैंने आप लोगों को ये, ठीक है। जर्नल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, इसमें और भी एंट्रियाँ होती हैं, जैसे कि आपके डिस्काउंट अलाउ करने की, डिस्काउंट रिसीव करने की, अभी आपको मैंने बताई, और यहाँ पर एक और एंट्री होती है बैड डेब्ट्स की, तो ये मैंने आपको जनरल ट्रांजेक्शन बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे, ओके।